31 उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक विभाग से झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन के। सभों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर विचार हुआ और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित आश्रम विद्यालय PVTG आवासीय प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थानों के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु इकरारनामा करने के संबंध में। इसके तहत कुल 244 बसें ली जाएंगी। नॉन AC डीजल बसेस 220, AC इलेक्ट्रिक बसेस 24 और ये पूरा प्रस्ताव जो है ये 605 करोड़ की गणना जो की गई है वो 10 साल के लिए किया गया है। 605 करोड़ 42 लाख बसेस हैं 244, 220 प्लस 24। प्रस्ताव संख्या 14 श्रम विभाग से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली में आंशिक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 यह भी श्रम नियोजन विभाग से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से यह भी संशोधन नियमावली है झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। सब में हाँ सिमिलर संशोधन है जो कार्मिक विभाग द्वारा किया गया है अपने एग्जामिनेशन कॉन्डक्ट रूल्स में। हाँ प्रस्ताव संख्या 17 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से पलामू जिला आयोग मेदिनी नगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 3 कर्मी की सेवा नियमितीकरण के संबंध। प्रस्ताव संख्या 18 पथ निर्माण विभाग से धनबाद अंतर्गत मुराईडी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामराज मंदिर सोनाडी फाटक पथ कुल लंबाई 5.23 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 28 करोड़ 5 लाख 34 हजार 200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के सैचुरेशन हेतु कुल 84 करोड़ व्यय की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 कृषि विभाग से केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत PL खाते में संधारित अवशेष राशि 16 करोड़ 10 लाख
37,800 रुपये मात्र को सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 नगर विकास विभाग से, नमामि गंगे योजना अंतर्गत 310 करोड़ 11 लाख की लागत पर इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना रामगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 जल संसाधन विभाग से, डॉक्टर डेविड कुजूर सचिव मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग मेदिनी नगर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतरराशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 ग्रामीण विकास विभाग से, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक योजना अंतर्गत डीसी विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम सब्सिडी राज्यांश एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने हेतु बकाया राशि कुल 362.5 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से, केंद्रीय प्रायोजित योजनांतर्गत मोबाइल वेटनरी यूनिट के तहत डोर स्टेप पर पशु चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेटरी क्लिनिक क्रय के उपरांत उसके संचालन के लिए प्रतिवर्ष केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल 46 करोड़ 40 लाख 52 हजार रुपये के दर से 5 वर्षों में कुल 232 करोड़ 2 लाख 60 हजार रुपये की अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से, निगरानी ब्यूरो झारखंड रांची को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड रांची के रूप में पुनर्गठित किए जाने तथा इसकी संरचना कार्य दायित्व एवं शक्तियों के निर्धारण से संबंधित संकल्प की खंडिका 6 में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से खंडिका 6 में प्रावधान है कि महानिदेशक अपर महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख के रूप में उस स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाएगा। उसे संशोधित करते हुए महानिदेशक अपर महानिदेशक के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक को भी शामिल किया गया है। उस स्तर के पदाधिकारी ब्यूरो चीफ के रूप में पदस्थापित किए जा सकते हैं। बिल्कुल। प्रस्ताव संख्या 28 नगर विकास एवं आवास विभाग, केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत 2.0 अंतर्गत 46.5
4.48 करोड़ की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़की सरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 263 प्रखंडों एवं 1633 पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापक ऑटोमैटिक रेन गेज के अधिष्ठापन हेतु कुल 47,90,10,000 रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2013 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। 32 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत 2.0 अंतर्गत 123.2 करोड़ की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रेहला विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले से झारखंड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के संबंधित प्रावधानों के संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य में अवस्थित सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों गैर सरकारी अल्पसंख्यक सामान्य सहायता प्राप्त सहित प्रारंभिक विद्यालय गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु झारखंड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 में संशोधन करने के संबंध में। ये संशोधन जो पूर्व में हो चुका है, जो राशि बढ़ाई गई है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तो इसमें जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं वो छूट गए थे, तो उसे शामिल करते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति पहले भी दी जाती थी, लेकिन बढ़ी हुई राशि का जो संशोधन लाया गया था उसमें ये विद्यालय छूट गए थे। प्रस्ताव संख्या 36 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें तृतीय संशोधन नियमावली गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 37 उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन को रद्द करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली 2013 में संशोधन को रद्द करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 39 उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ
तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन को रद्द करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 40 उद्योग विभाग से वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2022-23 के पार्ट टू पीएम गति शक्ति से संबंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 41 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत दुर्गा सोरेन चौक रामपुर रिंग रोड कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर के 4 लेन में निर्माण कार्य हेतु 65,60,62,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गुमला अंतर्गत सिसई बसिया पथ कुल लंबाई 36.9 किलोमीटर के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 106,11,84,400 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43 कार्मिक विभाग से झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 44 स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी श्री जेवियर खाखा जिला सिमडेगा को लिवर प्रत्यारोपण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में स्वीकृति। इसमें कुल 20 लाख स्वीकृत किया गया है, 5 लाख पूर्व में डिसबर्स हो चुका है, अतः 15 लाख अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। धन्यवाद।